नहीं रहे राहुल गांधी अब लोकसभा सांसद। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। केरल के वायनाड लोकसभा सीट से सांसद रहे राहुल गांधी की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई हैं। मोदी सर ने मामले में विवादित टिप्पणी को लेकर एक दिन पहले सूरत सेशन कोर्ट ने उन्हें दोषी करार किया था। कोर्ट की न्यायिक प्रणाली के इस झटके के बाद राहुल गांधी अब सांसद नहीं रहे हैं। उनकी सांसद की सदस्यता रद्द कर दी गई है। केरल के वायनाड से सांसद रहे राहुल गांधी को शुक्रवार को संसद के निचले सदन लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। दरअसल राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत ने गुरुवार को ही वर्ष 2019 के एक आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी करार देकर 2 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई थी। लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की अयोग्यता की घोषणा करते हुए अधिसूचना में कहा कि लोकसभा सदस्य के रूप में राहुल गांधी की अयोग्यता 23 मार्च से ही प्रभावी होगी, जब उन्हें दोषी करार दिया गया था। इस अधिसूचना में कहा गया कि सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के परिणाम स्वरूप लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 102-10(e) के प्रावधानों के संदर्भ में केरल के वायनाड संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा सदस्य राहुल गांधी की दोष सिद्धि की तारीख यानी 23 मार्च 2023 से वे लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य हो जाते हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के अनुसार जिस क्षण किसी संसद सदस्य को किसी भी अपराध में दोषी करार दिया जाता है और कम से कम 2 साल कैद की सजा सुनाई जाती है, तो वह संसद सदस्य रहने के लिए अयोग्य हो जाता है। बता दें कि मोदी सरनेम पर टिप्पणी के इस मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई और इसके बाद जमानत दे दी गई, लेकिन इसके बाद से ही उनकी लोकसभा की सदस्यता खतरे में पड़ गई थी। आखिरकार राहुल गांधी शुक्रवार को अपनी सांसद की सदस्यता से हाथ धो बैठे हैं। इस तरह आम चुनाव के साल भर पहले वायनाड बिना सांसद का हो गया है। काफी सारे सवाल खड़े हैं। क्या वायनाड में साल भर के लिए सांसदी के लिए उपचुनाव होगा? इसका जवाब तो आगे की प्रक्रिया के बाद ही मिलेगा, लेकिन गांधी परिवार के साथ यह पहला मामला नहीं है।